हेलो ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड डे टू यू ऑल। चलिए बिजनेस कम्युनिकेशन की अपनी इस गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनफैक्ट इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ पता है। मैम, ये कैसा चैप्टर है जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है? ज़रा इस चैप्टर के नाम पर फोकस करिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे लेसन नंबर 5 ऑफ योर बिजनेस कम्युनिकेशन विच स्टेट्स एज लिसनिंग स्किल्स, सुनने की कला, लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो इस चीज़ में, लिसनिंग में मुझे आपको कुछ बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि मैम लिसनिंग तो हमसे ज़्यादा अच्छी कोई कर ही नहीं सकता, सबसे अच्छी लिसनिंग तो हम ही करते हैं, सुनते ही तो आ रहे हैं बचपन से आज तक, चाहे मम्मी पापा से सुनते हों, चाहे फ्रेंड से सुनते हों, और आप भी कम नहीं हैं, आप भी रोज़ रोज़ सुनाने लग जाती हैं। तो बेसिकली लिसनिंग ही कर रहे हैं हम, और अगर हम लिसनिंग ही कर रहे हैं, बचपन से सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में क्या खास मिल जाएगा हमको? देखिए, दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्योंकि ये आपके कोर्स क्यूरिकुलम में चैप्टर इंक्लूडेड है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल चीज़, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट बात तो ज़रूर बताएंगे ये। एब्सोल्युटली, आज हम लोग लिसनिंग के बारे में वो बातें जानने वाले हैं जो पहले से आपको नहीं पता थी। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम आज तक सिनोनिम समझते थे, एक जैसे समझते थे, लेकिन अब यू विल गेट टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन दोज टू वर्ड्स। तो लिसनिंग स्किल्स को स्टार्ट करने के पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। बस यही दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि लिसनिंग को क्लियर करते हैं। मैम, कौन से वर्ड्स की बात कर रहे हैं? हमने आपसे कहा हियरिंग, एक शब्द होता है हियरिंग और एक शब्द होता है लिसनिंग। हियरिंग एंड लिसनिंग, ये दो अलग अलग शब्द हैं। अब अगर हम बात करते हैं हियरिंग एंड लिसनिंग, अगर हम सिंपली ये कहें आप अपने मम्मी पापा को या आप हमें लिसन करते हैं या हियर करते हैं, और उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल आपके सामने पुट अप करें कि आप अपने फ्रेंड्स को लिसन करते हैं कि हियर करते हैं। नाउ हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। देखो, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है कि जब भी कोई आवाज़ हमारी कानों तक आती है, हमारे ईयर ड्रम्स तक आती है, तो इट एंटर्स इनटू आवर ईयर्स एंड देन द मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द ब्रेन, चाहे हम उसे सुनना चाहें या ना सुनना चाहें। यानी कुछ आवाज़ें जो हमारी कानों पे पड़ती हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, आप अपने घर पे बैठे हैं, आपको हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, आपको ड्रम्स की आवाज़ आ रही है, क्या आप ड्रम्स की आवाज़ सुनने के लिए बैठे हैं? क्या आज आपने सुबह से सोचा था कि आज हम सिर्फ और सिर्फ हॉर्न सुनेंगे, व्हीकल के हॉर्न सुनेंगे? क्या आप उन व्हीकल के हॉर्न्स को सुन के कुछ एनालिसिस कर रहे हो, कुछ समझ रहे हो? नो, ये वो वॉइस है, ये वो अनवांटेड नॉइस है जो चाहते ना चाहते हुए आपके कानों में पड़ जाती है। तो कई बार कुछ चीज़ें आपके कानों में पड़ जाती है भले ही आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो। यानी वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ साउंड एंटर्स योर ईयर ड्रम एंड देन कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू द ब्रेन, दैट इज व्हाट इज नोन एज हियरिंग। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कहा जाता है हियरिंग। और अगर हम ये कहें कि मैम आपका लेक्चर हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, चलो हमारा लेक्चर तो छोड़ दो, जब आपका फ्रेंड आपसे कोई बात कर रहा होता है, जब आपका फ्रेंड आपको कोई एडवाइस दे रहा होता है, चाहे वो एडवाइस कितनी भी बेकार की क्यों ना हो, चाहे उसका टॉपिक कितना भी फालतू का क्यों ना हो, आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनते भी हैं, समझते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। यानी आप हियरिंग कर रहे हैं कि लिसनिंग कर रहे हैं? हम लोग लिसनिंग कर रहे हैं। नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपको इन दो शब्दों के बीच में डिफरेंस समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि व्हाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर, हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और समझना, हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना। कई बार जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो आप लेक्चर सुन तो रहे होते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, यानी आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे।
लेकिन कई बार आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन होता है, आप सुनते भी हो, समझते भी हो, अंडरस्टैंड भी करते हो, एनालाइज भी करते हो। तो जब हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, एनालिसिस भी करते हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? लिसनिंग। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं चाहते हुए या ना चाहते हुए, यानी कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो वॉइस हमारे कानों तक आ जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हियरिंग। तो इस हिसाब से हमको ये बताइए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ हियरिंग जरूरी है या लिसनिंग जरूरी है? एब्सोल्युटली लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड। मैम वो सब तो ठीक है, हम तो कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे बड़े होके, हमारे लिए ये सारे कौन से काम हैं, हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है? एज अ प्रोफेशनल आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग का। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने किसी बड़ी कंपनी में जॉब करी, आपकी जॉब लग गई, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे बातें कह रहे हैं, शेयर होल्डर्स आपसे बातें कह रहे हैं, आप हियरिंग कर रहे हैं, लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू कंप्लीट द टास्क, यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू प्रेजेंट द समरी, यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू प्रेजेंट द रिपोर्ट। सो द पॉइंट इज दैट यू जस्ट नॉट हैव टू हियर, यू ऑल्सो हैव टू लिसन। सिमिलरली मान लीजिए आप सीएस बन गए और आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, आपने अपना ऑफिस खोला और आपके ऑफिस में एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू करी और आपने हियरिंग करनी शुरू करी, आप उसे लिसन नहीं कर रहे थे, आप हियर कर रहे थे। जब आप हियरिंग कर रहे थे इसका मतलब आप सुन तो रहे थे लेकिन कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे, समझ नहीं रहे थे। और जब तक आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू गिव हिम अ बेटर सोल्यूशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता है बहुत सारे स्टडीज के हिसाब से भी ये कहा गया है कि स्पीकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग। जितना अच्छा आप सुनोगे समझोगे उतना ही अच्छा बोल पाओगे, उतना ही अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। आप मेरा लेक्चर सुन तो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, आपने हमारा लेक्चर ओपन तो कर लिया है, आप सुन रहे हैं, आप देख भी हमी को रहे हैं, बट देन आपका माइंड कहीं और है। आपने लेक्चर तो सुन लिया लेकिन आपने उसको ग्रैस्प नहीं किया, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या आपको ये चैप्टर समझ में आएगा? नहीं आएगा। यू नीड टू हियर ऑल्सो एंड यू नीड टू लिसन ऑल्सो। एंड नाउ आई थिंक विद द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि भाई स्किल की क्या बात है इसमें। स्किल की जरूरत है क्योंकि देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट वेरी ग्रेट वर्ड्स, हियरिंग एंड लिसनिंग। तो आज के बाद आपको अपनी चक्री थोड़ी उल्टी करनी है, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपसे जो भी बात कहें आपको उसे लिसन करना है, और आपके फ्रेंड्स जो फालतू की बकवास करते हैं ना आपको उसको हियर करना है। यस, लेकिन मुझे वेरी पता है, आई एम वेरी श्योर कि आप इसका रिवर्स करने वाले हैं। चलो एनी वेज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट आवर लेसन नंबर 5, दैट इज लिसनिंग स्किल। आई हैव गिवन यू just what is this topic all about, and now we are going to go through the study material ki is study material mein listening skills ke bare mein kya likha hai. Is chapter mein hum log badi interesting baatein janne wale hain listening ke bare mein, hearing ke bare mein. Aaj pehli interesting baat to aapko pata hi chal gayi ki acha iska matlab sunna alag hota hai aur sun ke samajhna alag hota hai. Chalo padhte hain apne chapter ko. Introduction diya hai sabse pehle, according to Oxford dictionary, to listen simply means giving attention to sound or action. Very important. कह रहे हैं अगर हम Oxford Dictionary, अच्छा पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त अगेन आपको दिमाग में जो बात रखनी है वो ये कि आपका एग्जाम MCQ based एग्जाम है, और जब MCQ based एग्जाम होता है तो हमको हर उस लाइन पे ध्यान देना है, हर उस लाइन पे फोकस डालना है जिससे MCQ question क्रिएट हो सकता है। तो पहली लाइन अगर आप देखो तो ये साफ साफ कह रहे हैं Oxford Dictionary के हिसाब से, टू लिसन सिंपली मीन्स गिविंग अटेंशन टू साउंड और एक्शन। जो साउंड आ रही है, जो आवाज आ रही है, अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, एक बार बताइए आप रोड से चलते हैं कितनी सारी हॉर्न की आवाज आती रहती है, क्या आप ध्यान से सुनने लग जाते हैं कि अच्छा मोटरसाइकिल के इतने हॉर्न की आवाज आई, इसकी इतने हॉर्न की आवाज आई, इतनी हॉर्न की आवाज आई? नो, कई बार ये आवाज बहुत तेज भी होती है लेकिन क्योंकि हम अपनी दुनिया में होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए कई बार हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हॉर्न की आवाज आ रही है। तो ये आप लिसनिंग नहीं कर रहे हो, ये आप हियरिंग कर रहे हो। लेकिन कई बार
आप फोकस देके सुनने लग जाते हैं कि हॉर्न की आवाज आई कि नहीं आई। स्पेसिफिकली जब आप किसी स्पेसिफिक हॉर्न का वेट कर रहे हो, आपका फ्रेंड आपको बुलाने आया है, वो एक हॉर्न बजाएगा और वो हॉर्न एक सिग्नल होगा दैट यू हैव टू गेट डाउन द स्टेयर्स एंड यू हैव टू कम, तब आप स्पेसिफिकली हॉर्न सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, ध्यान दे रहे हो। उस टाइम उस हॉर्न की आवाज को भी आप हियर नहीं कर रहे हैं, आप लिसन कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसी आवाज जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं, जिस पे हम फोकस दे रहे हैं, उसको कहा जाता है लिसनिंग। इनफैक्ट इफेक्टिव लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग साउंड्स इन अ लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, इंटरप्रेटिंग द पैटर्न एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय इन्फरिंग द मीनिंग। तो उस आवाज को सुनना, समझना और उसके द्वारा दिए गए मैसेज को इंटरप्रेट करना इज व्हाट इज नोन एज इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं तो हम दे रहे हैं, जब हम लिसन कर रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं। तो ये लाइन भी अब देखो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गई, लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ऐसी जो भी लाइनें आए उसको आप मार्क कर लीजिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स में चैप्टर का नाम डालिए और ये जितने भी वन लाइनर्स हैं ना, इन वन लाइनर्स को आप यू नो शॉर्ट में लिखते जाइए ताकि ये सारे कलेक्ट हो जाए एंड देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द चैप्टर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एंड लिसनिंग इज ऑल अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू बोथ आर ईयर्स एंड आईज। कह रहे हैं आईज से इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करेंगे? बिलीव मी, जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हो ना, तो आपके आईज, ईयर्स एंड ऑल द सेंस ऑर्गन्स वहीं लगे हैं, उसी चीज पे लगे हैं, उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली ये कह रहे हैं लिसनिंग इज ऑल अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू बोथ आर ईयर्स एंड आईज। इट इज एन एक्टिव इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन स्किल दैट डिमांड्स एनर्जी एंड नो हाउ। अगर लेक्चर आपके इंटरेस्ट का है, अगर टॉपिक आपके मतलब का है, तो आप पूरा ध्यान लगा के, पूरी एनर्जी लगा के उसको सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई लेक्चर ऐसा है जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपके मतलब का ही नहीं है, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, तो आपकी कोई एनर्जी ही नहीं लगती। टीचर अपनी एनर्जी लगा के वो लेक्चर डिलीवर करता रहता है, लेकिन आप विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी यू आर सिटिंग एंड हियरिंग एवरीथिंग बट यू आर नॉट लिसनिंग। तो अगर हम आपसे सिंपली पूछें एनर्जी ज्यादा किस में लगती है बच्चों, हियरिंग में कि लिसनिंग में? लिसनिंग में ऑब्वियसली। इट इज पर्पसफुल, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव। तीन वर्ड्स आ गए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जहां ऐसे तीन वर्ड्स आया करें, इट इज अ वेरी वेरी यू नो स्ट्रेट इंडिकेशन दैट इट कैन कम इनटू एन एमसीक्यू क्वेश्चन। पर्पसफुल, कोई ना कोई कारण है। आप हॉर्न की आवाज सुन रहे हो, जब आप उस हॉर्न की आवाज सुन रहे हो क्योंकि आपका फ्रेंड आपको लेने आने वाला है, देन दैट इज पर्पसफुल, और उस टाइम वो हॉर्न की आवाज भी लिसनिंग बन जाएगी। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हो, नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो और वो अनवांटेड हॉर्न की आवाज आपके कानों तक जा रही है, तो क्या उस हॉर्न की आवाज का कोई पर्पस है? क्या आप इफेक्टिवली उस पे ध्यान दे रहे हो? नो, एट दैट टाइम वही हॉर्न की आवाज आपके लिए क्या बन जाएगी? हियरिंग। पावरफुल एंड प्रोडक्टिव, ऑब्वियसली पावरफुल होनी चाहिए, प्रोडक्टिव किसी ना किसी काम के लिए होनी चाहिए। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि इसको आपको यूज करना है फॉर योर एग्जाम। सो ये तीन पी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्पसफुल, पावरफुल एंड प्रोडक्टिव। इट इज अ टेक्निक यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग वॉट इज बींग सेड बाई टेकिंग इन टू अकाउंट हाउ समथिंग इज सेड एंड नॉन वर्बल साइन बॉडी लैंग्वेज दैट अकंपनीज इट। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो ना, तो आप उसके जेस्चर्स भी नोट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, अब एक चीज तो हो गई जो वो बोल रहे हैं, दूसरी चीज हो गया उनका एक्सप्रेशन, तीसरी चीज हो गई उनकी वॉइस। अगर उनकी वॉइस तेज है, एक्सप्रेशन गुस्से वाला है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डांटा जा रहा है। यानी आपने सिर्फ उनके वर्ड्स पे ध्यान ना देके जेस्चर्स पे भी ध्यान दिया, एक्सप्रेशन पे भी ध्यान दिया, वॉइस पे भी ध्यान दिया। यानी आप ध्यान से उनको समझने और एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों बताओ, आप उस टाइम उनको हियर कर रहे हो कि आप उनको लिसन कर रहे हो? यू हैव नाउ शिफ्टेड टू द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। Okay, this technique requires lot of practice and patience as listening is not easy. ये तो पता है, सुनना आसान नहीं, बोलना बहुत आसान होता है। सबसे आसान काम दुनिया का बोलना होता है और सबसे tough काम क्या होता है? सुनना। Good listening is the skill, is the foundation of effective human relationship.
इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू बोर्ड टू द मैनेजर्स एंड वर्कर. और आपको एक बात बताएं, जब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी बन के कंपनी में जाओगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम सिर्फ सुनना ही होगा. मान लीजिए कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग में कंपनी सेक्रेटरी ने मीटिंग अरेंज की, शेयर होल्डर्स आए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हैं, देन सीईओ बैठा है एक तरफ, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स. आप क्या कर रहे होगे, बोल रहे होगे कि सुन रहे होगे? आपका काम है सुनना. बताओ, उस टाइम जब कंपनी की मीटिंग चल रही है, शेयर होल्डर सीईओ सब लोग इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आप उस टाइम हियरिंग कर रहे होंगे कि लिसनिंग कर रहे होंगे? आपको लिसन करना पड़ेगा. यू हैव टू लिसन दैट बिकॉज यू हैव टू हियर दैट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज. ठीक है, फाइन. चलो अब बात करते हैं आउटलाइन प्रोफाइल ऑफ फोर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल. अब देखो यहाँ पर वही टॉपिक आ गया जो अभी हम आपको इलैबोरेट करके बता रहे थे कि भाई लिसनिंग और हियरिंग को कंफ्यूज नहीं करना है. लिसनिंग अलग चीज होती है और हियरिंग अलग चीज होती है. सिर्फ सुनना क्या होता है, हियरिंग, लेकिन सुन के उसको एनालाइज करना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना इज व्हाट इज नोन एज लिसनिंग. तो देखो पहली लाइन लिखी है, लिसनिंग इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद हियरिंग. अब एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये बन सकता है, लिसनिंग एंड हियरिंग आर सिनोनिम्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू, नन ऑफ दीज. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सिनोनिम्स मतलब क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है. अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो बताइए क्या लिसनिंग और हियरिंग एक ही बात होती है? एब्सोल्यूटली नॉट. लिसनिंग अलग चीज होती है और हियरिंग अलग. ओके, तो लिसनिंग इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद हियरिंग. अब देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं हियरिंग इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिसीविंग द साउंड वेव्स बाय द ईयर ड्रम एंड ट्रांसफरिंग देम टू द ब्रेन. कानों का काम ही यही है. द पर्पस ऑफ द ईयर इज टू रिसीव एनी काइंड ऑफ साउंड एंड देन टू ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन. ईयर ये नहीं सोच रहा है कि ये चीज सुनने वाली है नहीं है, काम की है नहीं काम की है, क्या पर्पस है, उससे कोई मतलब नहीं है. जो भी आवाज हमारे कानों तक, हमारी कान एक मशीन है, जो भी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है उसकी साउंड वेव्स को हमारे ईयर ड्रम्स रिसीव करती हैं और उसके बाद उसको ब्रेन में ट्रांसमिट कर देते हैं. आप कहते हैं आगे खुद समझो वो काम की है कि नहीं काम की है. तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन लिसनिंग इज मोर देन व्हाट इज हियरिंग. देखो हियरिंग इट इज इनवॉलंटरी एक्ट. इनवॉलंटरी एक्ट कौन सा हुआ, लिसनिंग की हियरिंग? हियरिंग हियरिंग इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी मतलब आपकी मर्जी हो या ना हो आपको सुनना ही पड़ेगा. आपकी मर्जी हो या ना हो, मम्मी चिल्ला रही है, घर पे डांट पिट रही है, टीचर डांट रही है, सुनना ही पड़ेगा भले ही आप ध्यान से सुन रहे हो या ना सुन रहे हो. कई बार जैसे आप कहते भी हैं पता नहीं क्या इतनी देर से बड़बड़ 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 लगा रखा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा. इसका मतलब वो आवाज़ आपके कान तक पहुंच तो रही है लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे आप, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे. इसका मतलब आप हियरिंग तो कर रहे हो लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हो, लिसनिंग नहीं कर रहे हो. तो देखिए लिखा है इट इज एन इनवॉलंटरी एक्ट दैट हैपेंस ऑटोमेटिकली. अपने आप हो जाता है, सुन लेते हैं, अपने आप सुन लेते हैं. Hearing refers to the sound that enters your ears. It is a physical process that happens automatically. Listening, however, requires more than that. कह रहे हैं listening बड़ा है, hearing छोटा है. Listening is far more wider term than hearing. It requires focus and concentrated effort. गाने सुनवा लीजिए आपसे, friends की बातें सुनवा लीजिए, है ना, गर्लफ्रेंड के कॉल सुनवा लीजिए. यस, इन सारी चीज़ों में जितनी ऊटपटांग बातें होती हैं, यूजलेस बातें होती हैं, आप उनको फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन से समझते हैं. आप वहाँ पर हियरिंग करनी चाहिए लेकिन आप लिसनिंग करते हो, और टीचर जो लेक्चर देता है जहाँ आपको लिसनिंग करनी चाहिए वहाँ पर आप हियरिंग करते हैं. तो आई एम वेरी श्योर अभी तक आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जाम्पल्स, सो बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि बेसिकली हियरिंग का मतलब क्या है और लिसनिंग का मतलब क्या है. लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग. इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस. इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर रहे हैं, एनालिसिस ड्रॉ कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, लिसनिंग. इट इज अ वॉलेंट्री एक्टिविटी एंड हेंस इट इज डेलिबरेट. जानबूझ के purposefully, intentionally सुन रहे हैं आप मेरा लेक्चर, intentionally सुन रहे हो.
क्योंकि आपको ये क्लास पढ़नी है, आपको ये लेक्चर सुनना है, आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, इसलिए इंटेंशनली आपने मेरा लेक्चर चलाया और आप उसको सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर बेसिकली लिसनिंग. ओके, हेंस लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन नॉट ओनली टू द स्टोरी बट हाउ इट इज टोल्ड, द यूज ऑफ लैंग्वेज, वॉइस एंड हाउ द अदर पर्सन यूजेज हिज और हर बॉडी. जब आप किसी को लिसन करते हो तो आप सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुनते, आप उसके जेस्चर भी देखते हो, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हो, आप उसका वॉइस मॉड्यूलेशन भी देखते हो. व्हाई? बिकॉज यू आर लिसनिंग एंड यू नीड टू टेक आउट. फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने रीड कर रही हूँ, अब एकदम से मैंने अपनी वॉइस रेज करी. रिसर्च शोज दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स. तो जैसे ही मैं अपनी वॉइस रेज करूंगी आपको समझ में आ जाएगा कोई इंपॉर्टेंट लाइन आई, कोई ऐसी लाइन आई जिसपे हमें ध्यान देना है. सम इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टू बी डिस्कस्ड. ये इसलिए हुआ क्योंकि आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे. लेकिन अगर आप सिर्फ हियरिंग कर रहे होते तो आपको किसी चीज की ध्यान की जरूरत नहीं है. ना आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, ना आप मेरा जेस्चर देखोगे, एक्सप्रेशन देखोगे, बिकॉज आपका पर्पस उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना नहीं होगा. योर एबिलिटी, आगे देखो लिखा है, योर एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच यू परसीव एंड अंडरस्टैंड दीज मैसेजेस. रिसर्च शोज दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 50% मोर लिसनिंग दैन स्पीकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लिसनिंग ज्यादा होती है, स्पीकिंग कम. अगर आप स्पीकिंग करते रहोगे, अगर आप बोलते रहोगे, देन इन दैट केस आप समझ नहीं पाओगे. लेकिन अगर आपने इफेक्टिव लिसनिंग कर ली, बहुत अच्छे से समझ लिया, फिर जब आप बोलोगे तो आप जो भी बोलोगे वो बहुत क्वालिटी बेस्ड होगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब आप सुने ज्यादा और बोले कम. So it is more important to realize that listening is not just paying attention to the other person, but also to his tone, facial expression, body language. ये तो अभी मैंने आपको बताया कि listening में non-verbal communication भी involve होता है. Non-verbal communication मतलब gestures, body language, voice modulation. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. और अगर आपने उसको सही से नहीं सुना, सही से नहीं समझा, तो misunderstanding हो जाएगी. As a result, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरा इंटेंशन ये है कि आपको ये कंटेंट समझ में आए. आप पहली बार नहीं समझ आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, मैंने कई बार उसको रिपीट किया, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर हियरिंग. अच्छा, सिंपल सी चीज स्कूल में याद करूँ ना, जब टीचर डांटती थी तो टीचर क्या कहती थी? आर यू लिसनिंग? और कई बार कहती थी आर यू हियरिंग? यस. सो द बेसिक डिफरेंस इज क्लास के जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको लिसन करना चाहिए, और जब आपसे कोई बात कर रहा है या जब कोई अनवांटेड नॉइज आपके साउंड आपके कान में आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? हियरिंग. तो आई होप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रख दिए हैं हियरिंग के और लिसनिंग के. चलो आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको एक लाइन दिखेगी, लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस समझते हो? एक्टिव प्रोसेस जिसमें आप एक्टिवली कोई काम कर रहे हो, पैसिव प्रोसेस जिसमें आप काम नहीं कर रहे हो. अगर हम आपसे कहें, जरा एग्जांपल समझना, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लेकिन आप खाली बैठे हो. अंडरस्टैंड करो मेरा एग्जांपल. हमने आपसे कहा आई एम गिविंग यू लेक्चर, हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, आई एम स्पीकिंग कॉन्टिन्यूसली एंड यू आर डूइंग नथिंग. तो आप कहोगे मैम नथिंग कैसे, सबसे मेहनत का काम तो हम ही कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम एक घंटे से आपकी बकबक सुन रहे हैं, सबसे मेहनत का काम तो हमारा ही है. तो जो लिसन कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई काम नहीं कर रहा है. इस हिसाब से लिसनिंग एक्टिव प्रोसेस हुआ कि पैसिव प्रोसेस हुआ? लिसनिंग इज ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस, इट इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस. अगेन MCQ के लिए मार्क कर लो, लिसनिंग एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस है? मैम अब देखो लिखा है नॉट अ पैसिव, तो नॉट अ पैसिव का मतलब क्या हुआ? कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि जो सुन रहा है वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर रहा है, ही इज लिसनिंग. ओके, इनफैक्ट
लिसनर कैन एंड शुड बी एटलीस्ट एज एंगेज इन द प्रोसेस एज ए स्पीकर. जितनी मेहनत स्पीकर को लग रही है, हमने आपसे कहा सारी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, सारा लेक्चर मैं डिलीवर कर रही हूँ, आपको क्या आप खाली बैठे सुन रहे हो, तो आप कहोगे नहीं मैम खाली बैठे सुन नहीं रहे हैं, हम सुनने के साथ समझ भी रहे हैं, हम अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, हम माइंड भी यूज कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग विच यू आर ट्राइंग टू से, सो आई एम इक्वली पुटिंग माई एफर्ट्स इन दिस लेक्चर. इस लेक्चर में क्या सिर्फ मेरा एफर्ट लग रहा है, आपका कोई एफर्ट नहीं लग रहा? आप कहोगे मैम हमारे दिल से पूछो हमारा कितना एफर्ट लग रहा है. Yes or no? Absolutely. तो देखो लिखा है, to be an effective listener, one has to be completely involved in the communication process. Here, I'm fully present. Here, fully means physically, mentally, emotionally, psychologically present or alive. जैसे हम लोग कहते हैं ना fully present. कई बार हम लोग की टीचर्स भी हम लोगों से कहती थी कि यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास बट नॉट मेंटली, एब्सेंट माइंडेड. आप फिजिकली तो क्लास में हो लेकिन मन ही मन आप कहीं और हो, मन ही मन आप कहीं अपनी सपनों की दुनिया में चल रहे हैं. अगर आप मन ही मन कहीं सपनों की दुनिया में चल रहे हैं तो माय फ्रेंड आप हियरिंग कर रहे हो, आप लिसनिंग नहीं कर रहे हो. लिसनिंग सिर्फ तब हो सकती है जब आप फुल अटेंशन के साथ, फुल फोकस के साथ, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें. दैट इज वॉट इज नोन एज लिसनिंग. ठीक है, फाइन. चलो देखो ये लिखा भी है आगे, ये एग्जाम्पल उन्होंने भी दिया है. अ पर्सन में भी मेंटली प्रेजेंट बट देन इमोशनली डिस्टर्ब, अ स्टूडेंट में भी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम बट मेंटली एब्सेंट. हाँ मैम ये बात आई ना हमारे मतलब की, ये तो हमारे साथ ज़्यादातर होता है. हम क्लास में फिजिकली प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते, क्योंकि मेंटली हम कहीं और प्रेजेंट होते हैं. तो जिस वक्त आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, उस टाइम आप हियरिंग कर रहे हो, लिसनिंग नहीं कर रहे. ठीक है, हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. हाँ बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं. पर्पस ऑफ लिसनिंग, क्या जरूरत है भाई, क्यों सुने हम? ये बात तो आपके दिमाग में भी कई बार आती ना, क्यों सुने सबकी? अनडाउटेडली इफेक्टिव लिसनिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट सर्व्स अ नंबर ऑफ पॉसिबल पर्पसेस. जब तक सुनोगे नहीं समझोगे कैसे, जब तक समझोगे नहीं तब तक बोलोगे कैसे, और जब तक बोलोगे नहीं या प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आप अपने पर्पस को पूरा कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, आप मेरा लेक्चर क्यों सुन रहे हो? जस्ट गिव मी वन रीजन व्हाई आर यू लिसनिंग माय लेक्चर. मैम हम आपका लेक्चर इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमको ये चैप्टर प्रिपेयर करना है. जब ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा तो हमको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना है. माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जाम, राइट? सो देयर इज ऑलवेज अ पर्पस ऑफ लिसनिंग. ओके, तो देखिए क्या क्या पर्पसेस हैं यहाँ पर. इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये अलग अलग पर्पस दिए इन्होंने लिसनिंग के, तो एक एक करके फटाफट रीड करते हैं. व्हाट आर द वेरियस पर्पसेस? पर्पस ऑफ लिसनिंग, टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज बींग कम्युनिकेटेड, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड प्री कंसेप्शंस. कह रहे हैं उस मैसेज पे फोकस करना, ठीक है, जिस मैसेज को हम सुन रहे हैं. एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करिए. अब आपने एक तरफ मेरी क्लास चला ली और बगल में आपने अपना टीवी ऑन कर लिया. चलो टीवी तो आजकल नहीं देखते, आजकल आप लोग नेटफ्लिक्स और बाकी चीजें, हॉटस्टार एंड व्हाटएवर, ये सब देखते हो. तो आपने एक तरफ हमारा लेक्चर चला दिया, एक तरफ नेटफ्लिक्स चल रहा है, आपको लगता है आप हमारा लेक्चर पढ़ेंगे? ऑब्वियसली नॉट. डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, ठीक है. एंड प्रीकंसेप्शन, यू कैनॉट हैव एनी प्रीकंसेप्शन. प्रीकंसेप्शन मतलब कई बार क्या होता है, आप किसी चीज को सुनने के पहले ही डिसाइड कर लेते हो, मुझे तो ये नहीं समझ आएगा, मुझे ये पसंद नहीं आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. एंड बिलीव मी, जब आपने पहले से ही प्री कंसीव्ड नोशन बना लिया है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो 99.99% चांसेस हैं कि आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी. आपको हमने एक हिस्ट्री की क्लास में बिठा दिया, आज जैसे ही हमने आपको बताया दैट योर नेक्स्ट लेक्चर इज द लेक्चर ऑफ हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी. आई नो दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट इन योर सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, राइट? नाउ इफ आई टेल यू दैट योर नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी अ हिस्ट्री लेक्चर, आपका अगला लेक्चर हिस्ट्री का लेक्चर होगा, आपका इमीडिएटली सबसे पहली लाइन आएगी, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वट एवर इज गोइंग टू बी टॉट. आपने इमीजिएटली एक प्री कंसीव नोशन बना दिया कि हिस्ट्री तो बड़ी बोरिंग होती है, हिस्ट्री हमको समझ नहीं आती है और हिस्ट्री की क्लास हम नहीं पढ़ पाएंगे.
अब हम हिस्ट्री की क्लास आपको कितना भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा दें, कितनी भी अच्छी चीजें बता दें, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि आपने एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लिया है दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, इंग्लिश मूवीज, बहुत सारे लोगों को एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि इंग्लिश मूवी तो हमें समझ में आएगी ही नहीं, उनका एसेंट हमको समझ आता ही नहीं है, इतनी फास्ट इंग्लिश हमें समझ आती ही नहीं है. लेकिन बिलीव मी, अगर आप एक बार ट्राई करोगे सुनना तो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर टॉकिंग, एटलीस्ट नॉट 100% बट देन 80% 90%. लेकिन अगर आपने ये प्री कंसीव नोशन बना लिया कि मुझे तो समझ आएगा ही नहीं, मुझे तो इंग्लिश मूवी समझ नहीं आती, देन इन दैट केस यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो इफेक्टिव लिसनिंग की, लिसनिंग का पर्पस ये होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, प्री कंसेप्शन ना हो, और हम स्पेसिफिकली उसी मैसेज पर फोकस करें. ठीक है, पहली बात. सेकंड, टू गेन, दूसरा पर्पस है टू गेन फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो आप यह समझने की कोशिश करते हो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. ठीक है, लिसनिंग के बारे में मैंने कोई नई चीज आपको नहीं बताई. अगर हम आपसे कहें आज हमने आपको लिसनिंग पढ़ाया तो आप कहोगे लिसनिंग का क्या, लिसनिंग तो हमको भी आता है पढ़ना. बट देन यू आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय व्यूज अबाउट लिसनिंग. मेरी सोच क्या कहती है, मेरा इंटेंशन क्या कहता है. जब भी आप किसी को सुनते हो ना तो आप उसके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, ये मतलब होता है लिसनिंग का. अगर हम आपकी बात करें, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग में बैठे हुए हैं, शेयर होल्डर्स अपनी कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन आप प्री कंसीव्ड नोशन पर हो, आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये शेयर होल्डर जो भी कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं. नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर प्रॉब्लम इज. आपके पास एक क्लाइंट आया, आपको क्लाइंट के नजरिए को देखना भी बहुत जरूरी है. और अगर आप क्लाइंट का नजरिया देखना चाहते हो, क्लाइंट की प्रॉब्लम समझना चाहते हो, देन इन दैट केस यू कैन नॉट जस्ट हियर, यू विल हैव टू लिसन. तो दूसरा पॉइंट अपना, दूसरा पर्पस था टू गेन अ फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. थर्ड, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड. क्रिटिकली असेस, क्रिटिकल, क्रिटिक्स का मतलब समझते हो, सही या गलत का डिसीजन लेना. क्रिटिकली असेस, अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ये डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपने उसकी बात को ध्यान से सुना होगा. जब तक आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू एनालाइज वेदर ही वॉज सेइंग राइट और रॉन्ग. सो क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल्स अकंपनी व्हाट इज बीइंग सेड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग. उसकी कही हुई बात को ज्यादा समझने के लिए हमें उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा. अभी मैंने आपको बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बच्चों क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा. मैम, नॉन वर्बल में उसके जेस्चर्स इंक्लूड होंगे, उसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, टोन होगा, द टोन ऑफ स्पीकिंग, राइट. तो ये कह रहे हैं नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझने के लिए भी लिसनिंग करना जरूरी है. ओके, टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कॉन्सेंट्रेशन. आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हो और आप किसी की बात सुन रहे हो, आपको पता है स्पीकर को समझ में आ जाता है कि वेदर यू आर लिसनिंग और हियरिंग. तभी पेरेंट्स इमिजिएटली कहते हैं कि तुमसे कुछ कहना बेकार है क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा, इवन इफ यू आर हियरिंग विद फुल कॉन्सेंट्रेशन. इनफैक्ट हियरिंग और फुल कॉन्सेंट्रेशन, ये बातें दो अलग अलग हैं. ठीक है, तो होता क्या है, जो स्पीकर है, स्पीकर कैन वेरी वेल मेक आउट. आप जब क्लास में होते हैं, टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो टीचर को बहुत इजीली, सारे बच्चे क्लास में शांत होते हैं लेकिन टीचर उस बच्चे को फोकस कर लेती है कि यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास बट मेंटली यू आर नॉट ओवर हियर. आप सुन तो रहे थे लेकिन आप लिसनिंग नहीं कर रहे थे. एंड अगर आप लिसनिंग नहीं कर रहे हो, सो इट इज वेरी वेल विजिबल टू द स्पीकर. स्पीकर को ये समझ में आ जाता है कि आप सुन रहे हो कि समझ रहे हो, आपके एक्सप्रेशन से, आपके जेस्चर्स से. सो यू नीड टू शो इंटरेस्ट ऑल्सो, राइट, टू इनकरेज द स्पीकर टू कम्युनिकेट फुल्ली. स्पीकर मोटिवेट कब होगा, जब आप हियर कर रहे होगे या जब आप लिसन कर रहे होगे.
आप अपने फ्रेंड्स की बातें लिसन करते हो, ध्यान से सुनते हो, इसीलिए वो आपको एक एक दो दो तीन तीन घंटा बातें करते रहते हैं। वो अपना लेक्चर आपको इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी बात मानोगे। आपके पेरेंट्स आपको दो दो तीन तीन घंटा लेक्चर नहीं देते क्योंकि वो ये कहते हैं कि इससे कुछ भी कह दो, इसको समझ में नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीकर को अगर आप इनकरेज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि स्पीकर और अच्छी चीज डिलीवर करे, उसके लिए आपका हियर करना नहीं, लिसन करना जरूरी है। तो लिसनिंग का एक पर्पस ये है कि आप स्पीकर को मोटिवेट करना चाहते हो टू डेवलप अ सेल्फलेसनेस अप्रोच पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट। लिसनिंग का मतलब ये, लिसनिंग का सबसे पहला मतलब यही होता है गिविंग रिस्पेक्ट टू द स्पीकर। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आप मेरे लेक्चर को समझ रहे हो, दिस इज द फर्स्ट मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मी, ठीक है। लेकिन अगर आप देख तो रहे हो मेरा लेक्चर लेकिन ध्यान कहीं और लगाए हो, दिस इज द फर्स्ट मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू मी। ओके, एंड टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड्स व्यूज, आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू उसकी बात तभी समझ में आएगी जब आप एक्टिवली लिसन करेंगे। तो मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स थे किस चीज के? बच्चों ये पॉइंट्स थे पर्पस ऑफ लिसनिंग। अगर हम लिसनिंग करते हैं तो उसके क्या पर्पस हैं, क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं लिसनिंग? अच्छा मैम बातें तो बहुत हो गई, हमको ये बताओ एग्जाम में क्या आएगा। देखो एक तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक तो ये हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ लिसनिंग, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक भी और मैं आपको बताती हूँ, कई बार एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ लिसनिंग, तो ये इसमें से कोई भी तीन पॉइंट्स उठा लेंगे और चौथा पॉइंट लिखेंगे ऑल ऑफ दीज। जब भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया होता है ना, तो 60-70% चांसेस होते हैं ऑल ऑफ दीज के ही। ये मैं आपको कोई नियम नहीं बता रही हूं, एंड दिस रूल इज नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं सिर्फ एक हिंट दे रही हूं। मान लो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया, एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज डोंट थिंक कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो मॉड्यूल बेस्ड होगा या स्टडी मटेरियल बेस्ड होगा, कुछ जनरल चीजें भी पूछी जा सकती हैं एंड यू नीड टू आंसर दैट। और आपको पता है क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू डोंट हैव टू लीव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। अब मान लो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपने कभी नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन उसमें ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया है, तो पहले तो ट्राई करना, समझने की कोशिश करना, कॉमन सेंस लगाना, कुछ ना समझ में आए तो ऑल ऑफ दीज मार्क कर देना। बिकॉज जब भी एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया होता है ना, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि उसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। अगेन वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग है मेरी इस लाइन पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस बड़े उल्टे आते हैं, बड़े डिफरेंट आते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपको हमेशा ये लगता है कि नन ऑफ दीज कभी आंसर नहीं हो सकता। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है और आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं, ए में ये लिखा है, बी में ये लिखा है, सी में ये लिखा है, तो आप और डी में लिखा है नन ऑफ दीज, तो आपको हमेशा ये लगता है नन ऑफ दीज को सिर्फ ऑप्शन को पूरा करने के लिए लिखा गया, नन ऑफ दीज कैन नेवर बी एन आंसर, एंड दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। मान लो एक क्वेश्चन आया आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ लिसनिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट पॉइंट था टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द मैसेज, सेकेंड टू गेन अ फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, थर्ड था क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड, ये तीन लिखे थे और चौथा ऑप्शन लिखा था नन ऑफ दीज। बताओ सही आंसर क्या होगा? हमने आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस, नॉट अ पर्पस। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो नॉट वर्ड नहीं देखते हैं, इग्नोर कर दिया नॉट वर्ड, ठीक है। दूसरी गलती वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि अरे ए वाला भी है, बी वाला भी है, सी वाला भी, क्वेश्चन गलत है, नन ऑफ दीज तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर नॉट अ पर्पस पूछ रहे हैं और माई फ्रेंड ये तीनों पर्पस हैं, इसका मतलब सही आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? द सही आंसर, द करेक्ट आंसर वुड बी डी, नन ऑफ दीज। अगर आपको मेरी ये पूरी बात ना समझ में आई हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके टेस्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ दैट सॉर्ट, और जब एक बार वो क्वेश्चन आपका गलत होगा ना, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो जब वो क्वेश्चन आपका गलत होगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा मैम उस लेक्चर में ये बताने की कोशिश कर रहे थे। यस, तो कोई बात नहीं, रिवाइंड करके आप सुन लेना व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। सो यहां हम लोग बात कर रहे थे पर्पस की, कि भाई लिसनिंग का मतलब क्या होता है, ये तो समझ लिया, अब ये भी समझते हैं पर्पस क्या है।
मैम पर्पस भी समझ गए हम लोग, और अब हम लोग अगला टॉपिक, मैम ये तो फिर से वही टॉपिक आ गया। हाँ बच्चों, लिसनिंग एंड हियरिंग। अभी मैंने आपको बताया, डिटेल डिस्कशन भी कर लिया कि भाई लिसनिंग क्या है, हियरिंग क्या है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो वही चीज देखो फिर से आ गई। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दो शब्द हैं, मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को इंटरप्रेट करना। अगर हम सिर्फ मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो वो हियरिंग है, लेकिन अगर हम रिसीव भी कर रहे हैं, इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, इसका मतलब वो हियरिंग नहीं है, वो क्या है? लिसनिंग। Listening is the key to effective communication. Effective communication के लिए बच्चों बताओ, listening जरूरी है कि hearing जरूरी है? Listening. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. ये पूरी वही lines हैं जो भी ऊपर दिया था। Hearing refers to a sound that enters your ear. It is a physical process that provided you do not have any hearing problem happens automatically. कह रहे hearing एक automatic process है, वो अपने आप होगा। अगर कोई आवाज़ आ रही है तो वो अपने आप आपके कानों तक जाएगी, उसके लिए आपको कहीं पे भी कुछ भी concentrate करने की ज़रूरत नहीं है। तो I hope आपको hearing और listening में difference जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो I am not elaborating about this topic anymore. I think you can read this on your own. तो ये थोड़ा सा portion है जो मैं आपको दे रही हूं, थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़ोगे, थोड़ा हम भी पढ़ेंगे, ठीक है? देन ओनली विल बी इन अ पोजिशन टू डू, ओके? एंड यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लैंग्वेज इज। तो आप इस पोर्शन को अपने आप पढ़ना, कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ लेना। जैसे देखो ये लाइन भी हम लोगों ने पढ़ी थी, लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस। ये सेम वही रिपीटेड लाइन्स हैं जो अभी हम लोग ऊपर करके आए हैं। ठीक बात है मैम, बिल्कुल समझ में आ गया, आप आगे चल सकते हो। चलो बेटा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। आप कह रहे हैं लिसनिंग कितने प्रकार की होती है, लिसनिंग कितने तरीके की होती है। आज आप पहली बार ये पढ़ने वाले हैं, अच्छा लिसनिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। एब्सोल्युटली बहुत सारे इसमें टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे दूं। हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। बहुत सारे टाइप्स दिए हैं और उसमें से बहुत सारे टाइप्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से सिमिलर हैं। जब आप वो टाइप्स पढ़ोगे तो आप कहोगे मैम यही वाला तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था। ऑब्वियसली सिमिलर भी हो सकते हैं, बट देन यू डोंट नीड टू वरी। एमसीक्यू के लिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। एक सिंगल लाइन दे देंगे और कहेंगे विच टाइप ऑफ लिसनिंग इज दिस, ठीक है? तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? देखो अगर आप हर शब्द का मतलब समझ लो ना, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी वहीं हल हो जाएगी। जैसे आई ऑलवेज से अगर हम आपसे कहें मेरा नाम छोटू है नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमने आपसे कहा मेरा नाम छोटू है, या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसका नाम छोटू है, तो आप ये अपने मन में गेस कर लोगे, इमेजिन कर लोगे, या तो ये हाइट में छोटा है या तो ये घर में छोटा है, कहीं ना कहीं छोटा जरूर है इसलिए इसका नाम छोटू है। यानी आपने उस शब्द का मतलब समझा और उससे आपको उसकी कहानी समझ में आ गई। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको, ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में या कई बार आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे लाइनें आएंगे जिनका मीनिंग आपको पता ही नहीं है। डोंट वरी, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड देन यू विल बी एबल इन अ पोजिशन टू एनालाइज इट। हमने आपसे कहा डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, आपने कहा मैम नहीं आता। हमने कहा अच्छा बेटा डिस्क्रिमिनेशन मतलब, आपने कहा मैम डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट अलग अलग चीजों को पहचानना, डिफरेंट चीजों को एनालाइज करना, इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग। एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब जब हम अलग अलग साउंड्स को पहचानते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब ये डोरबेल की आवाज है, ये फोन की आवाज है, ये मोबाइल की घंटी है, ये मोटरसाइकिल का हॉर्न है, ये ट्रक का हॉर्न है। अलग अलग आवाजों में जब आपने डिस्क्रिमिनेट किया, मम्मी ने आवाज लगाई, पापा ने आवाज लगाई, ठीक है? जब आप अलग अलग आवाजों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। देखो लिखा है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग वेयर बाय द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट साउंड्स इज आइडेंटिफाइड।
अलग अलग साउंड्स में अगर आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनकी आवाज़ों में अगर आप डिफरेंस एनालिसिस कर पा रहे हो, तो आप किस तरीके की लिसनिंग कर रहे हैं? लिसनिंग इज डिस्क्रिमिनेटिव। एंड एक बात और बताएं, अगर आप अलग अलग आवाज़ों में डिफरेंसिएशन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप लिसन कर रहे हो, हियर नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप हियर कर रहे होते तो आपका ध्यान ही नहीं होता। आपने कहा बहुत शोर आ रहा है, इसका मतलब हियरिंग, आपको पता नहीं किस चीज का शोर है। आपने कहा हॉर्न भी बज रहे हैं, मोटरसाइकिल की आवाजें भी आ रही हैं, यू नो कहीं पे गाने भी बज रहे हैं, इनफैक्ट आप ये भी बता दोगे ये वाला गाना बज रहा है, दूर से कहीं गाने की आवाज आ रही है, आपने गाना कौन सा बज रहा है ये भी बता दिया, जरा जल्दी से हमको बताओ आप उस गाने को हियर कर रहे थे कि लिसन कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए ही सही बच्चों, आपने उसको लिसन किया। अगर आपने ध्यान लगाया, ये म्यूजिक किस गाने की है, फिर आपने और ध्यान लगाया, फिर आपको वो गाना समझ में आ गया, इसका मतलब जरूरी नहीं, अनवांटेड था, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन एक मिनट के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां गया, और जैसे ही आपने हियरिंग में कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया, वो क्या बन गया? लिसनिंग। सिंपल, ओके। So, we learn to discriminate between sounds within our own language early and later are unable to discriminate between phonemes and other language. This is one reason why a person from one country finds it difficult to speak another language perfectly, as they are unable to distinguish the subtle sounds that are required in that language. So, different sound. आपके सामने एक बंदा आया जो हिंदी में बोल रहा था, आपके सामने एक बंदा आया जो फ्रेंच में बोल रहा था। अब फ्रेंच वाले की बात आप हियर कर रहे हो लेकिन लिसन नहीं कर रहे हो। आपके सामने एक बंदा आया वो जर्मन में बोल रहा था, अगेन आप जर्मन वाले की बात हियर कर रहे हो, लिसन नहीं कर रहे हो। क्यों मैम? क्योंकि हमको जर्मन आती ही नहीं है। अगर हमको जर्मन आती, फ्रेंच आती, तो हम उनको भी सुन रहे होते। तो उन वो जो बोल रहे हैं वो मेरे कान तक जा तो रहा है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू इंटरप्रेट दैट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, सो आई एम ओनली हियरिंग, आई एम नॉट लिसनिंग। ठीक है, तो जब हम अलग अलग आवाज़ों में डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ठीक है, फाइन, बिल्कुल मैम, पहला वाला तो बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छी बात है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग। मैम अब ये क्या है कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन मतलब इलैबोरेट। कॉम्प्रिहेंशन करते थे ना स्कूल में, कॉम्प्रिहेंशन बड़ा सा पैसेज होता था, इलैबोरेट होता था। तो किसी भी चीज़ को डिटेल में समझना, डिटेल में एनालिसिस करना इज व्हाट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग। ठीक है, पढ़ें, चलो। द नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड एंड साइट इज टू मेक सेंस ऑफ देम। पहले आपने ये सुना मम्मी बुला रही है कि पापा बुला रहे हैं, दोनों ने आपको आवाज लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपको आवाज लगाई गई छोटू। ठीक है, आपने सबसे पहले ये एनालिसिस किया, मम्मी ने बुलाया, पापा ने बुलाया है, कि भैया ने बुलाया है, कि किसने बुलाया। ये जो आपने किया ये था डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। फिर आपने ये एनालिसिस किया कि क्यों बुलाया है, क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा किसकी आवाज है, फिर आपने देखा क्या कह रहे हैं। तो जब आपने ये देखा किसकी आवाज है, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग थी। और जब आपने ये एनालिसिस किया कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो कौन सी लिसनिंग थी? कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग। ठीक है, टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग रिक्वायर्स फर्स्ट हैविंग अ लेक्सिकन ऑफ वर्ड्स एट आवर फिंगर टिप्स एंड ऑल्सो ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स। किसी की बात को समझने के लिए हमें उसको शब्दों का पता होना जरूरी है। अगर उन्होंने इंग्लिश या हिंदी में बुलाया होगा तो आप समझ लोगे, लेकिन अगर उन्होंने किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करी होगी, देन आई एम सॉरी, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो इन कम्युनिकेशन सम वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड सम लेस, and comprehension often benefits from extraction of key facts and item from a long spiel. अब देखो MCQ के लिए क्या मार्क करना है। Comprehension listening is also known as, मार्क कर लो, content listening, informative listening, full listening. Very important. ये तीन words हैं। अब MCQ में आप समझ गए क्या क्या आ सकता है। Comprehension listening also means, ठीक है, first कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, फुल लिसनिंग, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फाइन। अदर वे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, फुल लिसनिंग आर द अदर नेम्स ऑफ।
डिस्क्रिप्टिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, सच एंड सच करके चार ऑप्शन दे दिए. तो वेन एवर यू आर रीडिंग ऑल दिस, दो पर्पस हैं. पहला, मतलब समझ में आना चाहिए. दूसरा, क्वेश्चन कैसा बन सकता है. ठीक है, अगर आप सिंपली सी, वन इज नोन एज हार्ड वर्क, वन इज नोन एज स्मार्ट वर्क. यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. आपने ट्वेल्थ तक चीज़ों को याद किया है, या अगर हम बहुत एग्जैक्ट शब्दों में बात करें तो आपने ट्वेल्थ तक चीज़ों को रटा है ना. अब अगर आपने कहा अच्छा ये बुक है, ये चैप्टर है, शुरू हो गया याद करना, तो भाई याद कर क्यों रहे हो? आपका पेपर सब्जेक्टिव तो है ही नहीं, आपको आंसर लिखने नहीं है, आपको तो चार ऑप्शन में से सही आंसर चूज करना है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग? यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग. सबसे पहली चीज है, आपको उस चीज को समझना है. ठीक है, मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, एकदम नॉर्मल भाषा में, हिंदी भाषा में समझना है. जो भाषा आपको सबसे इजी लगती है, अगर आपको इंग्लिश भाषा बहुत इजी लगती है तो उसको समझना है. व्हाट इज द मीनिंग? एंड देन यू जस्ट हैव टू सी कि अच्छा कहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है. उसके लिए जो भी लाइंस हैं उनको पकड़ लो और उनको अपने नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर लो. सिंपल, यही करना है ताकि लास्ट डे एग्जाम के एक दिन पहले यू आर हैविंग सर्टन नोट्स विच यू कैन जस्ट फ्लिप एंड रिवाइज. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ लिसनिंग के बारे में, जिसमें दो तरीके की लिसनिंग हम लोग ने पढ़ी. पहली है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग और दूसरी है कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग. आ गई बात समझ में? आज हम लोग ने जो लेक्चर स्टार्ट किया है, बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, आगे अभी हम लोग ने सिर्फ दो करे हैं. आज जो हम लोग ने एक टॉपिक स्टार्ट किया, चैप्टर स्टार्ट किया, हम लोग ने स्टार्ट किया लिसनिंग के बारे में. और आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. अब जब आप अपने फ्रेंड से बात करना और आपको इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हो ना, तो आप उसको थोड़ा सा अपनी नॉलेज झाड़ने के लिए ये जरूर बोलना, आर यू लिसनिंग और जस्ट हियरिंग? देन ही विल से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? बस यही सही मौका है अपनी नॉलेज दिखाने का. शुरू हो जाना पूरा चैप्टर, हियरिंग ये होता है, लिसनिंग ये होता है, एंड देन दीज आर द वेज बाय विच यू कैन इंक्रीज योर वैल्यू अमंग योर फ्रेंड्स. तरीके बता रहे हैं, रिस्पेक्ट करेंगे वो लोग. अच्छा बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, यू आर हैविंग सो मच नॉलेज. ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स कहें बकवास बंद करो और चुपचाप हमारी बात सुनो. यस, कोई नहीं कोई नहीं, चलो. बट देन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी स्टार्टेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लिसनिंग स्किल. वी डिड द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, एंड देन वी डिड द पर्पसेस ऑफ लिसनिंग, एंड थर्डली वी आर डूइंग द टाइप्स ऑफ लिसनिंग. टाइप्स ऑफ लिसनिंग में हम लोगों ने अभी तक दो करी हैं. पहला था डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जिसमें हम लोग अलग अलग आवाजों को पहचानने की कोशिश करते हैं. और दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग, जिसमें हमने उस आवाज को पहचान के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग. आ गई बात समझ में? ये दो टाइप्स ऑफ लिसनिंग्स थे. ठीक है, फाइन. चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ. आई एम वाइंडिंग अप माई टूडेज लेक्चर. यहाँ तक का पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है आपको, नोट्स बनाने हैं. जो भी डाउट आपको लगे कि आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रही, ये वर्ड नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइप ऑफ डाउट्स. आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर डाउट्स. ओके फाइन. सो विद दिस आई वाइंड अप माई टूडेज लेक्चर. Take good care of yourself, all of you. Thank you so much.